नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आनंद और आकाश ब्लॉग जसपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम रामरेखा मेला का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे और इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। पीछे पॉट दिख रही है, पॉट इको स्पॉट, उसी में हम जाने वाले हैं। वो भैया का कार है और अभी वो गए हैं ATM पैसे निकालने। और अभी हम जसपुर में रुके हैं दोस्तों, ये और ये जसपुर का नज़ारा आप देख सकते हैं। इसी वीडियो में अंत तक बने रहें, इस वीडियो में आप पूरा रामरेखा मेला घूम सकते हैं दोस्तों मेरे साथ। तो वीडियो में बने रहें अंत तक। ये है गमरिया का पेट्रोल टंकी, हम लोग पहुंच गए हैं, पेट्रोल लेते हैं, आगे दिखाएंगे फिर आपको। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग अब झारखंड पहुंच चुके हैं, तो आपको झारखंड का लुक भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे सामने एक गाड़ी खड़ी है, तो उसमें आप देखिए झारखंड का लुक, जो कि केबिन में भी बैठे हुए हैं कुछ लोग। तो झारखंड में ऐसे चलता है दोस्त, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप यहाँ पे पिछले कई वर्ष पहले आए थे तो आपको बहुत कुछ बदला सा दिखेगा, या रास्ता भी आपको नया नया लग रहा होगा। आपको दिख रहा होगा काफ़ी ऊंचाई तक चट्टान है, पहले चट्टान था, गाड़ी पीछे ही खड़ी करनी पड़ती थी, पर पैदल जाना पड़ता था 2-3 किलोमीटर। पर अब ऐसा नहीं है, अब काफ़ी अच्छा रास्ता बन चुका है, जो कि आपको सुरक्षित और आरामदायक उस रामरेखा धाम तक पहुँचाता है। तो देखिए अभी तक इसका पहचान है, नया बना हुआ है, तो रास्ता भी बहुत क्लियर है, खाली भी है। तो देखिए कितना बड़ा बड़ा चट्टान था, पैदल जाना पड़ता था यहाँ से, पर अब ऐसा नहीं है, तरक्की पे है। तो यहाँ का दृश्य भी काफ़ी आकर्षक लग रहा है, तो चलिए आगे चलते हैं। आज का वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है लग रहा है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप आगे का वीडियो भी देख पाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। लगा रहे हैं। बस बस, छोटी गाड़ी का 50 रुपया है दोस्तों, बड़ी गाड़ी है कभी 100 रुपया ले रहे हैं लोग, कभी पुर्जा देंगे भाई साहब, देख सकते हैं आप। अगर रामरेखा आते हैं दोस्तों तो गाड़ी इधर ही खड़ा करें, ज़्यादा अंदर खड़ा ना करें, क्योंकि बाद में निकालने टाइम बहुत दिक्कत होगा, कि बहुत भीड़ होता है दोस्तों। अभी हम लोग गाड़ी इधर ही छोड़ने वाले हैं, ये देखिए पार्किंग एरिया है, तो इधर ही छोड़ने वाले हैं। अभी जाएंगे दोस्तों, यहाँ से करीब 300 मीटर दूरी पे जाना पड़ेगा। फाइनली हम रामरेखा धाम पहुँच गए हैं दोस्तों। ये हैं भाभी, अभी नीचे आ रही हैं, और धूप काफी है दोस्तों अभी। यहीं से स्टार्ट होता है मेला, तो आप लोग देख पा रहे होंगे साइड में कुछ गाड़ी खड़ी हुई है, तो आगे स्टार्ट है, अगल बगल में दुकान लगा हुआ है, काफी लोग उधर से वापस भी हो रहे हैं, हम लोग का भी जाना हो रहा है, तो देखते हैं आगे। यहाँ CRPF के जवान तैनात है दोस्तों, बट ये है एंट्रेंस, यहाँ के एंट्रेंस जो आपको दिख रहा होगा, रामरेखा धाम विकास समिति आपका हार्दिक स्वागत करता है, ये देख सकते हैं आप। बहुत सुंदर जगह दोस्तों, ये स्कूल है दोस्तों, मुझे नहीं लगा था इतना ऊपर कोई स्कूल बनाएगा, पता नहीं चालू भी है या नहीं है, ये कुछ
शासकीय भवन जैसा है। यहाँ लेडीज सिक्योरिटी गार्ड देख सकते हैं, लेडीज आर्मी है दोस्तों। यहाँ ये कुछ स्कूल है, काफ़ी बड़ा कंपाउंड है, यहाँ पुलिस फोर्स भी लगी हुई है। और ये स्कूल है दोस्तों, देख सकते हैं आप, विद्यालय राम देखा धाम। अरे भाई काफ़ी थक गए हैं दोस्तों, फाइनली हम पहाड़ी चढ़ चुके हैं और भगवान श्री राम जी का मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। अभी इसके अंदर जाएंगे और सबसे पहले भगवान श्री राम जी का दर्शन करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप भी हमारे साथ भगवान श्री राम जी का दर्शन कर सकते हैं। इस साल कोरोना की वजह से काफ़ी कम भीड़ दिखाई दे रहा है दोस्तों। इस साल किसी भी प्रकार का नागपुरी प्रोग्राम नहीं हो रहा है, अब देख सकते हैं। फिर भी काफ़ी भीड़ है यार, अब देख सकते हैं। तो सबसे पहले मंदिर जाते हैं, यहाँ जूता उतारने का व्यवस्था। तो सबसे पहले हम अभी अपना जूता उतारेंगे, उसके बाद अंदर चलते हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ इस जगह में घूमना चाहते हैं तो आप दिन में आकर अच्छे से घूम सकते हैं दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ आते हैं तो आप रात में आइए। और क्योंकि रात में बहुत सारा प्रोग्राम होता है यहाँ पर, और उसका मज़ा ले सकते हैं आप, और रात भर आप इंजॉय कर सकते हैं इस जगह को, इस धाम को। तो आप ज़रूर आए इस जगह में। तो चलते हैं अभी मंदिर। यहाँ की मंदिर की खासियत यह है दोस्तों, ये जो मंदिर है प्राकृतिक रूप से चट्टानों से बना हुआ छत है इसका, ये बिल्कुल प्राकृतिक है। यहाँ वनवास के टाइम राम सीता लक्ष्मण कुछ दिन बिताए हुए थे, और ये गुफा के अंदर स्थित मंदिर अभी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ बाईं ओर नल लगा है, और यहाँ सबसे पहले हम अपना हाथ धो लेते हैं, क्योंकि मंदिर में जाने से पहले हाथ पैर धोना सही होता है। तो सबसे पहले हम अपना हाथ धो लेते हैं दोस्तों, उसके बाद आगे मंदिर में चलते हैं। ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, ये बाहर गेट लगा है, ये तो सीमेंटेड है दोस्तों, लेकिन अंदर में जो इसका जो छत है वो बिल्कुल नेचुरल है। इसमें कोई कृत्रिम रूप से कुछ भी नहीं बनाया गया है। ये जो भाई साहब हैं ये वीडियो के लिए मना कर रहे हैं, यहाँ समिति वाले हैं, तो वीडियो बनाने के लिए परमिशन नहीं मिला दोस्तों। फिर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी मंदिर का साफ सफाई भी चल रहा है, देख सकते हैं झाड़ू लग रहा है, और समिति वालों से परमिशन तो नहीं मिला। फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे आपको यहाँ का मंदिर दिखाने का। ये जो बाहर का मूर्ति लगा हुआ है मेन गेट का, ये जो आप मूर्ति देख पा रहे हैं दोस्तों, राम लक्ष्मण सीता का, यही यहाँ का मुख्य मूर्ति है। आप देख सकते हैं, आपको कोशिश कर रहा हूँ दिखाने का, अच्छे से तो वीडियो में नहीं बना पाया, फिर भी आप देख सकते हैं। ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये है गुप्त गंगा, चट्टानों के बीच ये कुंड बना हुआ है दोस्तों। ये पूरा नेचुरल है, यहाँ से आप गंगा जल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मान्यता है कि हर किसी को ये गंगा जल नहीं मिलता है, जब आप इसको टच करेंगे तो वो नीचे चला जाता है। तो ये कितना सच है तो मुझे नहीं पता, पर ऐसा माना जाता है। देखते हैं कितने लोग गंगा जल निकाल पाते हैं।
इससे आगे का वीडियो कंटिन्यू किया हुआ है हमने पार्ट 2 में, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ जाइए और हमारा देखिए पार्ट 2 का वीडियो।